नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय गुरु। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे और ठीक ठाक भी है। जी हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सबको दीपावली बहुत अच्छा गया है। आज बात करने वाले हैं केनिया के एक खूब सुंदर नोट को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने भारत के 2 रुपए वाले नोट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश किया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको वो वीडियो अच्छा लगा। अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आपने मिस कर दिया होगा, तो वीडियो के लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। तो जी, आज बात करने वाले हैं जो टॉपिक के बारे में, वो है केनिया के कौन से करेंसी मार्केट में जारी है, केनिया के करेंसी आज की डेट में इंडिया में कितने वैल्यू है, केनिया के करेंसी में एक्स वाई क्यू आते हैं, केनिया में कौन से सिंबल यूज किया जाता है करेंसी के लिए, और थोड़ा बहुत केनिया के बारे में भी जान लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। केनिया ईस्ट अफ्रीका के एक देश है। 2019 के हिसाब से केनिया में टोटल जनसंख्या है 47.6 मिलियन। केनिया के राजधानी नैरोबी केनिया के सबसे बड़े शहर भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और स्वहेली, जबकि नेशनल लैंग्वेज है स्वहेली। देश की लगभग 85.5% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। केनिया के करेंसी है शिलिंग। केनिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम है जोमो कनाट्टा, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ केनिया भी बोला जाता है। 2020 के हिसाब से नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के बाद ईस्ट अफ्रीका के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है केनिया। केनिया के करेंसी के बात करें तो केनिया में सिलिंग एक्स बाई वाई के आकार में लिखा जाता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात, मुझे भी पहली बार सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो एक्स वाई के भीतर एक्स का मतलब है एक सिलिंग के ऊपर वाले करेंसी, और वाई का मतलब है एक सिलिंग के नीचे के करेंसी, मतलब सेंट। चलिए आसान कर देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर केनिया में 50 सेंट को लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, और 100 सिलिंग की बात आए तो 100 सिलिंग को ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। मुझे ये बात पहली बार इंटरेस्टिंग लगा था बहुत। केनिया के सिलिंग 1966 में ईस्ट अफ्रीका के सिलिंग को हटा के अपना पहचान बना लिया था। पहले इशू किया करेंसी थी 15 सेंट, 10 सेंट, 25 सेंट, 50 सेंट, और था एक सिलिंग और टू सिलिंग। 1967 से 1978 के भीतर इंडिपेंडेंट केनिया के सारे करेंसी में केनिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जोमो कनाट्टा के पोर्ट्रेट देखने को मिलती है। साल 1980 में प्रेसिडेंट कनाट्टा के पोर्ट्रेट को हटा के डेनियल माई के पोर्ट्रेट को लाया गया था, लेकिन फिर से 2005 में पहले प्रेसिडेंट के पोर्ट्रेट लाया गया था। केनिया के नोट सेंट्रल बैंक ऑफ केनिया से इशू किया जाता है। अरे, नोट में फर्स्ट प्रेसिडेंट जोमो कनाट्टा के पोर्ट्रेट देखने को मिलती है। केनिया के बैंक नोट नैरोबी में प्रिंट होता है डेलोरुई नामक सिक्योरिटी प्रिंटर से। केनिया के इस खूबसूरत नोट के बारे में बात करें तो नोट के फ्रंट साइड के चारों तरफ अंकों में 50 लिखा है। ऊपर बाई तरफ 50 के ठीक नीचे फुल डेट लिखा गया है, जो कि बिल्कुल यूनिक है। नीचे नोट के सीरियल नंबर ऊपर से नीचे तक लिखा गया है। थोड़ा और नीचे वाटरमार्क को बैंक नोट की फ्रंट और बैक साइड में मिलाती है तो एक हाथी देखने को मिलती है। हाथी के पोर्ट्रेट बना हुआ है इसमें। फ्रंट साइड के बीच में फर्स्ट प्रेसिडेंट के पोर्ट्रेट देखने को मिलती है, उनके नाम देखने को मिलती है। दाई तरफ गवर्नर के सिग्नेचर और मेंबर के सिग्नेचर देखने को मिलती है, और एक बार नोट के सीरियल नंबर देखने को मिलती है, जो कि बाई तरफ से दाई तरफ छोटे से बड़ा होते देखने को मिलती है। इस खूबसूरत नोट के बैक साइड में 3 फुल ऊंट के सवारी होने का दृश्य दिखाई देता है, और बाई तरफ केनिया के मुम्बासा के सिटी सेंटर की पिक्चर देखने को मिलती है। आज की डेट में केनिया के करेंसी और इंडियन करेंसी को कंपेयर करें तो एक केनियन शिलिंग की कीमत आज की डेट में इंडियन करेंसी में है 60 पैसा। इसका मतलब 50 शिलिंग इस नोट का कीमत है इंडियन मनी में 34 रुपीज लगभग। बस इतना ही था आज के लिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग नोट या कॉइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।